बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? 9th क्लास ठीक ठाक है? तो आज हम इस्लामियात का पहला लेक्चर पढ़ेंगे। हमारी इस्लामियात की बुक में तीन तरह का सिलेबस है। एक हिस्सा जो है वो कुरान पाक की आयात पर मुश्तमिल है, सूरह इनफाल है। दूसरे हिस्से में अहादीस मुबारक आती हैं और तीसरे हिस्से में असबाग हैं। तो आज हम दूसरे हिस्से से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा आसान है ताकि हम अच्छी तरह से जो है वो अपनी रूटीन बना लें कि हम जो है वो आसानी से दूसरे फिर आयात का तर्जुमा भी कर सकें। ये थोड़ा आसान मरहला है तो आसान मरहला पहले कर लेते हैं, मुश्किल की तरफ बाद में आएंगे। तो हमारे सिलेबस में 10 अहादीस मुबारक होंगी। इन अहादीस मुबारक का 3 नंबर का हमारे सिलेबस में आएगा और एक दो शॉर्ट क्वेश्चन भी हमारे जो हैं वो पेपर में आएंगे। तो 3 नंबर का हमारे पास जो इसका क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर इसकी ट्रांसलेशन के होंगे, इसके तर्जमे के होंगे, और 2 नंबर इसके तशरीह के होंगे। तो पहली हदीस है, अफजलुल अमाली ला इलाहा इल्लल्लाहु व अफजलुद दुआ इल दुआ इल इस्तगफार। अफजलुल अमाली सबसे ज़्यादा फजीलत वाला अमल, अफजलुल अमाली सबसे ज़्यादा फजीलत वाला अमल, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु है, वा और अफजलुद दुआ बेहतरीन दुआ, ये भी उसी मायने में आता है सबसे ज़्यादा फजीलत वाली, लेकिन इसमें लफ्ज़ का चुनाव बेहतरीन इसलिए है कि इसके साथ दुआ आ रही है। तो बेहतरीन दुआ जो है वो इस्तिग़फ़ार है, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की बख्शिश मांगना, माफ़ी मांगना, अल्लाह ताला के यहाँ अपने गुनाहों का इकरार करना, गलतियों का इकरार करना और उसकी ज़ात वाहदहु ला शरीक से उसके बारे में माफ़ी तलब करना। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा जो है वो अमल के बारे में है और दूसरा हिस्सा जो है वो इस्तिग़फ़ार के बारे में है। हदीस के पहले हिस्से में इरशाद है, अफजल अमाल ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा किसी दूसरे को इलाह ना मानने का इकरार है और यही हमारे मुसलमानों का बुनियादी अकीदा है कि हम दिलो जान से ये बात तस्लीम करते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात वाहदहु ला शरीक है। ला इलाहा इल्लल्लाह में लफ्ज़ इलाह से मुराद ऐसी ज़ात है जिसकी इबादत की जाए, जिससे बेपनाह मोहब्बत और अकीदत हो, वो अल्लाह ही की ज़ात है। हमें अपनी जान, माल और दुनिया की सबसे प्यारी चीज़ों से जो महबूब तरीन चीज़ है वो अल्लाह ताला की ज़ात मुबारक है। क्यों? क्योंकि उसी ने हमें पैदा किया, हमें अकल दी, हमें बसीरत अता की, हमें न सिर्फ ज़िंदगी दी है बल्कि ज़िंदगी की तमाम नेमतें अता की। बसीरत कहते हैं देखने को, हम जो है वो किसी चीज़ को एक ऐसे पहलू से देखते हैं जो हमें समझ आ जाती है। हम बहुत सी चीज़ों को देखकर अपने मसाइल जो है वो हल करते हैं। हमें चाहिए कि अपने कौल और फेल से इसी ज़ात को इला माने। कौल जो हम ज़ुबान से अब बोलते हैं, फेल जो हम अपने फिजिकली जो काम करते हैं उसको फेल कहते हैं, यानी कि हमारे हरकात और हमारी ज़ुबान से हमें इस बात का पता चले कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो वाहदहु ला शरीक है, वो अकेली है और अकेली ही रहेगी और हमेशा से अकेली है। इसकी इबादत करें, उसी से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करें। अब मोहब्बत करने का क्या है कि जो अहकाम अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं वो हम एहसन तरीके से उसको सर अंजाम दें। हदीस के दूसरे हिस्से में इरशाद है, अफजल दुआ इस्तगफार, यानी बेहतरीन दुआ अल्लाह से अपने गुनाहों और नाफरमानियों की माफ़ी मांगना है। अच्छा स्टूडेंट, ऐसा करते हैं कि आज जो हम सिर्फ हाफ कर लेते हैं इसका तर्जमा और हदीस का मुबारक का पहला हिस्सा, ये आप लोगों ने याद करना है अच्छी तरह से
अगर आपको रेफरेंसेस और मिलते हैं इससे रिलेटेड तो आप वो भी उसमें कोड कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो आपने क्या करना है कि इसको अच्छी तरह याद करके कम से कम 4 दफ़ा लिखें ताकि आपको ये अच्छी तरह याद हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।